हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। हम लोगों को पता है रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है और यहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम लोग रिजल्ट पे आए तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। और ये जो पूरी स्टेटमेंट है, ये जो पीडीएफ है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के इस पीडीएफ को देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम लोग इनकम वाला ऑप्शन देखें तो आप लोग देखिए, जो दो ऑप्शन होते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग और अदर इनकम, वहां पे लास्ट क्वार्टर में, मतलब कि लास्ट ईयर क्वार्टर में यहाँ पे जो इनकम होती हुई नजर आई थी, वो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। जो इनकम थी वो थी 2513 करोड़ के आसपास। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर की बात करें, जो कि दिसंबर क्वार्टर है, वहां पे 1816 करोड़ के आसपास इनकम होती हुई नजर आई, मतलब कि थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए, 3010 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनकम हो चुकी है। तो मतलब कि मैसिव जंप आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस देखें, बहुत सारे एक्सपेंसेस भी कंपनी को करने पड़ते हैं, मटेरियल एंड सोर्स कंज्यूमर, उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज इन WIP, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, इन सबको अगर मिलाएं तो आप लोगों को ये सेक्शन एक्सपेंसेस वाला देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में एक्सपेंस हुआ था, वो 2247 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस आपको होता हुआ नजर आया था। और यहाँ पे अगर इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, 2817 करोड़ के आसपास यहाँ पे एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7 और 8, इस पे अगर हम लोग जाएं तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जो लास्ट ईयर आप लास्ट ईयर क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 170 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला था। उसके बाद लास्ट क्वार्टर में 135 करोड़ के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिला, यहाँ पे 241 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब कि गजब का रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे इरकॉन का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे काफी अच्छी खासी न्यूज आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नजर आया है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को ये स्टॉक मे भी ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि अभी तक इस स्टॉक में ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं है। पिछले एक साल में यहाँ पे स्टॉक 18% डाउन है, पिछले 5 साल की बात करें तो स्टॉक जो है वो 5% डाउन है। जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है मार्केट में, लगातार कंसोलिडेशन फेज में आप लोगों को ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो खराब चीज है वो यही है कि इसका कंसोलिडेशन फेज बहुत ही वीक है, और आप लोगों को जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, ये स्टॉक जब तक आप लोगों को 50 के लेवल के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा, तब तक इस स्टॉक में ज्यादा कुछ तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग देख सकते हैं वैल्यूएशन वाइज स्टॉक कितना ज्यादा गिर चुका है। एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9 का आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 का है। तो ऑलरेडी वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत सस्ती है, तो मे भी आप लोग यहाँ से ज्यादा गिरावट देखेंगे नहीं इस स्टॉक में। लेकिन इन स्टॉक्स में जो कंसोलिडेशन फेज में होते हैं, ग्रोथ कब आएगी ये भी कुछ किसी को कंफर्म नहीं होता है, और मार्केट में ओवरऑल काफी ज्यादा वीकनेस है। तो इस स्टॉक में आप लोग अपने रिस्क में इन्वेस्ट करिए, रिजल्ट से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला। और आप लोगों को अगर लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तभी आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। फिर कौन से रिलेटेड वीडियोस लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो गए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।